एवरीवन, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2020 का सॉल्यूशन देने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला 2019 का अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। 2019 का अपलोड हो गया, आज 2020 को 20 वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ सारा है, इसका टिक भी लगा हुआ है, तो इसको आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी का आंसर दे दिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे 10 ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपको 7 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे तो टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन डी अलमॉट प्रिंसिपल ऑल्सो डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन प्लेन मोशन। बोल रहा है कि डी अलमॉट प्रिंसिपल जो था, आप लोग को थ्योरी में भी पढ़ाया गया, तो डी अलमॉट प्रिंसिपल का स्टेट दें एंड उसका एक्सप्लेन करें, प्रूफ करें। ठीक है, तो मतलब पहले तो स्टेटमेंट इनका क्या था, डी अलमॉट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था? तो स्टेटमेंट था, द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। जो इफेक्टिव फोर्स क्या है, तो इफेक्टिव फोर्स आपका है, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे हम लोग पोजीशन फैक्टर लेकर इसे मास इनटू ए पोजीशन फैक्टर का 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी आता है। 1 बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो उसी तरह से जो पोजीशन फैक्टर है, पहले आपको फिगर बताना चाहेंगे, यहाँ पे पहले फिगर बनाते हैं, 1 सेकेंड वेट प्लीज। देखिए इधर जैसे ए एक्स एक्सिस है, ठीक है, 1 सेकेंड, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ है, यहाँ पे कोई पी पॉइंट है जहाँ पे पार्टिकल्स है, उसका मास क्या है, एम है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, जिसको हम लोग 2 बार अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इफेक्टिव फोर्स जो होता है, मास इनटू पोजीशन वेक्टर को आप 2 बार क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इफेक्टिव फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी है जिस पे हम क्या करें, बाहरी फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स पुश करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पी फोर्स है, इसको इस बॉडी पे मान लीजिए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है या ए ब्लॉक है, कुछ भी ब्लॉक है जिस पे हम पुश कर रहे हैं। ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे हैं, बाहरी फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम। कौन कहता है, डी अलमॉट प्रिंसिपल कहता है। जो इफेक्टिव फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो वही समेशन ऑफ आपका रिवर्स इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर से अभी स्टार्ट कर। तो देखिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होता है, जब टोटल को जोड़कर 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करके लाना है कि जो इफेक्टिव फोर्स है और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों क्या है, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन एंड प्रूफ, प्रूफ कर रहे हैं, एक्सप्लेन के साथ साथ प्रूफ भी कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन में आपको क्या लिखना है, लेट द रिजिड बॉडी इन मोशन एट टाइम टी, यहाँ टी छूट गया है, एट टाइम टी एंड आर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एट पॉइंट पी। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आर पोजीशन वेक्टर है, पी कोई पॉइंट है, जहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर है, जिसे हम लोग आर पोजीशन वेक्टर, आर को हम लोग पोजीशन वेक्टर के नाम से यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको खुद से फिगर बनाना है पहले, और ये लाइन लिखना है, फिगर कॉपी में नहीं बना होगा, आप खुद बना लेंगे। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बनाना है, पी पॉइंट लेना है जिसका मास एम है, आर पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ पी का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फिजिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया गया होगा, कर्वलिनियर चैप्टर में। ठीक है,
तो लेट द रिजिड बॉडी इन मोशन एट टाइम टी एंड आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एट ए पॉइंट पी. नाउ आई कंसिडर डैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड इंटरनल फोर्स आर. एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए. तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स पुल करते हैं, और इंटरनल फोर्स क्या होता है, जो इस बॉडी के द्वारा इंटरनल जो बॉडी के द्वारा लगाया जाए. ठीक है, तो आई कंसिडर डैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ. जैसे अभी आपको मतलब जूम करके एक जूम करके आपको इसको समझाते हैं इंटरनल एक्सटर्नल का. जैसे मान लीजिए कि कार है, ठीक है, कोई या कोई वस्तु है, जैसे आप उसको मान लीजिए बाहर से जो फोर्स दे रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स करते हैं. और इस वस्तु का खुद का जो फोर्स लग रहा फोर्स दे रहा है उसको हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं. तो आई कंसिडर डैट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एंड इंटरनल फोर्स आर एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास एम. इसको हम लोग कंसिडर किए हैं, होता है, एक्चुअली होता भी है जिसे हम लोग कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं. देन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तो टोटल फोर्स के बराबर, इधर एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम आर इजकल टू ए प्लस आर, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो इसको प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा, एम आर इधर प्लस, एक्चुअली एम आर है क्या, डबल डॉट यहाँ पे होगा, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है. तो एम आर है क्या, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यहाँ पे पोजिशन वैक्टर के टर्म में, जो पोजिशन वैक्टर एक डिस्टेंस था उसे हम लोग डबल डॉट का मतलब दो बार डिफरेंशिएट किए हैं. दो बार डिफरेंशिएट करने का मतलब डिस्टेंस को अगर दो बार डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स ही है, तो सभी फोर्स के बराबर क्या है, जीरो है. यानी ये किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. तो हेयर एम आर एफ एंड आर आर इन इक्विलिब्रियम, दस आर्गूमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑल पार्टिकल्स ऑफ दिस सिस्टम. समेसन ऑफ एम आर, समेसन ऑफ एफ फोर्स एंड समेसन ऑफ इंटरनल फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों क्या होगा, लेकिन इंटरनल फोर्स क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितना फोर्स वो लगाता है उतना फोर्स बाहर से आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है. तो द इंटरनल फोर्स पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो समेसन ऑफ आर इजकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया. तब कई फोर्स इसमें बचा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देखेंगे, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में तो सब ये जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो हो गया. तब कौन बचा, माइनस एम आर डबल डॉट प्लस एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू जीरो. तो इन्हें माइनस में तो उधर प्लस में, तो ये प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा था. ठीक है, तो समेसन ऑफ एम आर एंड पोजिशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएट यानी एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, एंड एक्सटर्नल फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो देन इक्विलिब्रियम का मतलब उसका इक्वेशन के बराबर जीरो हो. ठीक है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है. अभी कल भी समझा रहे थे कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिसे मान लीजिए कि 5 न्यूटन का इधर से फोर्स दे रहे हैं, 5 न्यूटन का इधर से फोर्स दे रहे हैं. तो यहाँ पे किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में. ठीक है, तो समेशन ऑफ जो मास रिवर्स इफेक्टिव फोर्स था प्लस एक्सटर्नल फोर्स इजकल टू जीरो, तो इधर माइनस में तो उधर प्लस में, यही प्रूफ करना था. ठीक है, और साथ में पूछा था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है. तो वैसे तो वर्चुअल बर्स्ट को डील करता है, लेकिन हम लोग मास अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन लेस वर्टिकल हुप विथ वेट और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इसका प्रिंसिपल देखने को मिलता है. तो डी अल्मॉट प्रिंसिपल इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल बर्स. इट डील्स विद द इनर्शियल फोर्स. सम अदर क्रूशियल एप्लीकेशन ऑफ डी अल्मॉट प्रिंसिपल, मास अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन लेस वर्टिकल हुप विथ वेट और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में. ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी लिखने को आया था, तो एप्लीकेशन भी लिख देंगे. क्वेश्चन में बताया था कि इसका क्या करना है, एप्लीकेशन को भी देना है. ठीक है, चलिए 2 का A में देखते हैं. अब 2 का A में देखिए, 2 नंबर का था, यानी 2 14 नंबर का क्वेश्चन होता था, 7 जैसे 2 ऐसे करके दिया रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें ए और बी करके दे देगा, और दोनों 7-7 नंबर का होगा, यानी 2 कितना नंबर का है, 14 नंबर का. तो ए पार्ट देख लिए, और सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, मैकेनिक्स में ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसको, क्योंकि 20 का है ना, एक साल गैप करके क्वेश्चन को क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है. तो ये बार जैसे केमिस्ट्री में पिछले साल कर दिए, अभी कर दिया था ना 2022 वाला में, जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए होंगे सिविल वाले, तो देखेंगे पूरा कॉपी पेस्ट था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का. ठीक है, तो 2 का A देख लिया, अब 2 का B देखते हैं. एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, रिप्लेस द लोडिंग ऑन द फ्रेम शोन फिगर 1 बाय ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स.
एक फिगर है, वैसे तो फिगर देख के जनरली समझ में नहीं आएगा अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो, या मतलब जैसे कुछ लोग डिप्लोमा करके आते हैं तो जो पहली बार देख रहे होंगे उनको तो समझ में नहीं आएगा, उनको उनके लिए हम पहले समझा रहे हैं, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सही ढंग से समझना तो जो पहले बोलेंगे उस पर फोकस कीजिएगा। रिप्लेस द लोडिंग ऑन द फ्रेम शोन इन फिगर बाई ए सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले यहाँ पे माइंड ले जाना है जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स को पूछ रहा है। रिजल्टेंट फोर्स मतलब आप दिमाग लगाना है आपको कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब जितने बॉडी पे, जितने पार्टिकल पे या जितने भी जो फिगर दिया हुआ है, फ्रेम दिया हुआ है, उस पर जो भी लोड लग रहा होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट के लिए हमेशा आपको एक ही चीज सिखाया गया है, मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट में ही बताया गया है कि टोटल जितने भी हॉरिजेंटल फोर्स पे है उसके बराबर 0, जितने वर्टिकल फोर्स पे है उसके बराबर 0, और मोमेंट जो है उसके बराबर 0 निकाल दीजिए, ठीक है। और जो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई आएगा तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ एफ वाई, ये निकाल दीजिए रिजल्टेंट आ जाएगा। यानी अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है मतलब हॉरिजेंटल टोटल फोर्स निकाल देना है और वर्टिकल में जितना है उतना टोटल फोर्स निकाल देना है, और दोनों फोर्स को निकाल के रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो वो फोर्स हम निकालेंगे कैसे, फोर्स निकालेंगे कैसे, और साथ में कुछ पूछा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्पेसिफाई वेयर इट लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट ए हॉरिजेंटल लाइन अलोंग मेंबर ए बी मेजर फ्रॉम ए एंड ए। ए पॉइंट पर से आपको क्या करना है, लाइन ऑफ एक्शन भी बताना है, मतलब मोमेंट भी साथ में निकाल देना है इसका, ठीक है। मोमेंट भी निकालेंगे, पहले तो रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसमें कितने फोर्स लग रहा है। बाबू ऐसे देखिए कोई भी बॉडी पे देखिए इनक्लाइंड फोर्स है, 900 न्यूटन का है। आप फिगर आपके पास कॉपी होगा मतलब कि क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे 900 है इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड कितना है। अच्छा पहले तो इस चीज को समझाते हैं, पहले फिगर को पूरा समझा देते हैं आपको। तो पहले फिगर को हम लोग समझते हैं ना, तो इसमें समझना क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे थीटा एंगल ना देकर यहाँ पे इस तरह से बनाया गया। तो आपको पता होगा कि ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, एच होता है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो क्या होता है, बेस होता है। तो आप कॉस थीटा लगाकर इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है, यानी 3 बटा क्या हो गया, 5 हो गया। और साइन थीटा इजकल टू यहाँ पे देखते हैं 400 न्यूटन वाला में देखिए, ये जो 400 न्यूटन है इसमें भी उसी तरह से बनाया गया है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 4, और एच हो गया 5। तो यानी साइन थीटा का वैल्यू इस तरह से हम लोग लिख लेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू लिख लेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग कंपोनेंट लेते हैं जो फोर्स का, उसमें साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट आता है ना, जो इनक्लाइंड रहता है। अच्छा जो वर्टिकल फोर्स है उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाबू ये वाला लिख लीजिएगा पहले, कॉस थीटा इजकल टू बी बटा एच, 3/5 हो गया। और साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बटा एच, जिसका वैल्यू कितना होता है, कितना है यहाँ, 4/5 है, ठीक है। 4 परपेंडिकुलर हो गया और जो 5 है वो क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिए। अब बताइए कितने टाइप का फोर्स आपको नजर आ रहा है। तो एक आ रहा है यहाँ 400 न्यूटन का फोर्स नजर आ रहा है, यहाँ पे एक 600 न्यूटन का फोर्स नजर आ रहा है, ठीक है। ये 600 न्यूटन का फोर्स है, फिर यहाँ 900 न्यूटन का फोर्स है जो इनक्लाइंड है। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाकर इसका हम दो कंपोनेंट, एक अगर हम इधर करते हैं तो 900 कॉस थीटा हो जाएगा, अगर हम हॉरिजेंटल में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 900 साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, है ना, कंपोनेंट तोड़ सकते हैं क्योंकि इनक्लाइंड है। उसी तरह से 400 वाला के कर सकते हैं। तो आपके पास कितने फोर्स है, 1 फोर्स, 2 फोर्स जो वर्टिकल में है, ठीक है, और इनक्लाइंड में 2 फोर्स है, 900 न्यूटन का और 400 न्यूटन का। आपके पास 4 फोर्स है जिसमें 2 तो वर्टिकल है और 2 इनक्लाइंड है, जिसका 2 कंपोनेंट टूटेगा। और आपको पास कितने इक्वेशन, आपके पास कितने इक्वेशन होते हैं, 3 इक्वेशन होते हैं। टोटल हॉरिजेंटल फोर्स का समेशन इक्वल टू 0, टोटल वर्टिकल का 0 और मोमेंट का 0, 3 इक्वेशन होता है। तो अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें, हॉरिजेंटल में कॉस वाला लिए हैं, ठीक है, 900 कॉस थीटा, यानी इधर की दिया हुआ है तो इधर एंगल आएगा। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे ये इधर से दिया हुआ है ना, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है ना, इधर दिया हुआ है तो ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजेंटल वाला। एक सेकेंड, तो 900 कॉस थीटा, कन्फ्यूज नहीं होना, ये अगर ऊपर दिया हुआ है तो मतलब इधर का एंगल दिया, नीचे दिया हुआ मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ।
तो 900 कॉस थीटा हो गया, और यहाँ पे वर्टिकल में क्या हो जाएगा, 900 साइन थीटा हो जाएगा, 900 साइन थीटा। तो आइए कंपोनेंट देखते हैं हॉरिजेंटल। अच्छा बाबू बताइए हॉरिजेंटल में कितने टाइप का फोर्स है? दो टाइप का फोर्स है, बस दो ये फोर्स दिख रहा है जो कंपोनेंट लिए हैं 400। अच्छा नीचे है तो ये वाला एंगल दिया, तो ये साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 400 कॉस थीटा, ये 400 कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपके पास कितने हॉरिजेंटल फोर्स है? दो हॉरिजेंटल फोर्स है, 900 कॉस थीटा, 400 साइन थीटा, दो ये तरह के है। और वर्टिकल को अगर हम देखने जाए तो ये 400 है, 600 है, 900 साइन थीटा है और 400 कॉस थीटा है। तो वर्टिकल में तो चार फोर्स है, लेकिन हॉरिजेंटल में मेरे पास दो ही फोर्स है, एक है 900 कॉस थीटा हॉरिजेंटल वाला, 400 साइन थीटा। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। समेशन ऑफ समेशन एफ एक्स इजकल टू जीरो, जिसमें 900 कॉस थीटा प्लस 400 साइन थीटा इजकल, जो हॉरिजेंटल वाला था बाबू, 900 कॉस थीटा प्लस 400 साइन थीटा, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू क्या, जीरो। तो ये हो गया आपका 900 कॉस थीटा साइन 400 साइन थीटा। कॉस थीटा का मान कितना था, 3/5, और साइन थीटा का मान कितना था, 4/5। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आ गया 860 न्यूटन, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं समेशन ऑफ एफ वाई पे। समेशन ऑफ एफ वाई में क्या था, 600 अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसको पूरा को पहले इरेज करते हैं, देखिए आप कंपोनेंट यहाँ तोड़ के दिखा देंगे, आप फिगर को दिखा सकते हैं। 600 न्यूटन है अपवर्ड, 400 न्यूटन है डाउनवर्ड। तो 600 अपवर्ड वाला को प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड वाला को माइनस ले रहे हैं। अच्छा ये जो 900 साइन थीटा है जो कंपोनेंट लिए हैं, और 400 कॉस थीटा, ये दोनों क्या है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड है, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में चला जाएगा, तो 600 माइनस 400 माइनस 900 साइन थीटा माइनस 400 कॉस थीटा, 400 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 900 गुने साइन थीटा का वैल्यू कितना, 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना, 3/5। तो इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आ जाएगा माइनस 760 न्यूटन। अच्छा जब माइनस आता है तो क्या बताता है, जो आप फोर्स किए हैं वो क्या है, निगेटिव ले लिए, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्टेंट पे, क्योंकि स्क्वायर होकर वो प्लस हो जाएगा। तो समेशन ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू आप क्या जानते हैं, रिजल्टेंट के लिए सिखाए होंगे जब फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है, 860 का होल स्क्वायर माइनस 760 का होल स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट तो आपको पता हो गया बाबू, अब रिजल्टेंट पता हो गया तो आप उससे एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एंगल निकाल सकते हैं, फाइंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट विथ एक्स एक्सिस, प्लस टैन थीटा इजकल टू समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई बटा समेशन ऑफ एफ एक्स। टैन थीटा क्या होता है, पी बटा बी होता है, टैन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो ये वाला अगर हम ये इसका मतलब एंगल निकालना चाहें इसमें, तो ये वर्टिकल वाला क्या हो गया, पी हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो इसलिए समेशन ऑफ एफ वाई बटा समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब 760 बटा 860, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, 0.883। तो थीटा इजकल टू टेन इनवर्स 0.883 आ गया, 41.46 डिग्री, ठीक है। तो यही रिजल्टेंट निकालने के लिए था, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीन वाला क्वेश्चन को अभी स्किप करते, अगले वीडियो में बता देंगे, इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा था तो हमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए इसको अभी छोड़ते हैं, ऐसे बना दिए हैं लेकिन इसको देखते हैं। पहले फोर वाला आइए, ठीक है, फोर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिगर को पहले पूरा दिखाते हैं कि फिगर कैसा है। ए ट्रस्ट से क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज ए ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है, पहले तो कुछ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये चार नंबर का है, ए भी नहीं, एक ही क्वेश्चन है जो 14 नंबर का है, एक क्वेश्चन 14 नंबर का ही होगा, ठीक है। चार का ए बी नहीं ना है, नहीं चार का सिर्फ चार ही है, ठीक है, मतलब ये कल्ले 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले फिगर को एक बार देख लेंगे ढंग से, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज ए ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या है, डिटरमाइन द फोर्स इन टर्म ऑफ द लोड पी। यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है पी, यहाँ देखेंगे नीचे में, नीचे में एक फोर्स लगा हुआ है पी, इसी फोर्स की बात कर रहा है, लोड पी फॉर ईच मेंबर ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर। फिगर में देखिए, फिगर नंबर थ्री, जैसे क्वेश्चन नंबर टू में तो कोई फिगर नहीं था, थ्री में फिगर था, ये मतलब फिगर नंबर थ्री, ऐसा कोई इसको डिजिट मत मान लेंगे, ये फिगर नंबर तीसरा है। एंड अ स्टेट ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर एंड अ स्टेट इफ द मेंबर आर इन टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। तो यानी सिंपल सी क्या बात बोला है कि मेंबर में फोर्स बताइए, और फोर्स बताइए टेंशन है कि कंप्रेशन है,
पॉजिटिव आया तो टेंशन है, निगेटिव आया तो कंप्रेशन है। सिंपल सी बात, फोर्स निकालने के लिए आपको ट्रस के चैप्टर में जो पढ़ाए थे वो बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। आज फिर बताएंगे अभी, तो सबसे पहले सीखते हैं ट्रस क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर्स होता है, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर, ये फिगर दिख रहा है वो भी वही क्या है, ट्रस है, ठीक है, वही ट्रस है। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे ट्रस और फ्रेम में भी डिफरेंस पढ़े थे। तो ये ट्रस का डिफिनेशन लिखा हुआ है, वैसे आप लोग को पढ़ाए भी है। तो ये फ्रेम ऑफ ट्रस मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर मेंबर मेड अप ऑफ सेवरल बार्स रिवेट और बिल्डेड टूगेदर टू द सपोर्ट रिएक्शन एट टू इंड्स ऑफ ए फ्रेम मे बी फॉर्म आउट बाई द सेम प्रिंसिपल एज दोज ऑफ फॉर ए बीम एंड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। बोल रहा है कि फ्रेम जो है, फ्रेम ऑफ ट्रस, ट्रस ऑफ फ्रेम में वहाँ पे डिफरेंस बताए थे, ठीक है, क्योंकि जो कुछ मतलब कि वहाँ पे टॉपिक लिखे थे, अगर मान लीजिए कि स्टेट मेंबर नहीं है तो क्या कल आता था, फ्रेम कल आता था, और ट्रस में किसी भी मेंबर्स पे लोड नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा ट्रस पूछा। तो ट्रस जो होता है, ये फ्रेम ऑफ ट्रस में भी डिफाइंड है द स्ट्रक्चर मेड ऑफ सेवरल बार्स, ये क्या होते हैं, सेवरल बार से मिलकर बने होते हैं, जो कनेक्शन रहता है रिवेट या बिल्डेड रहता है। रिवेट कनेक्शन और बिल्डेड कनेक्शन स्टील में इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में बताया गया होगा, ठीक है। रिवेट कनेक्शन क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कि दो दो ये है, एक मेंबर है और ये दो मेंबर है जो ज्वाइंट किए हैं, ठीक है, तो रिवेट कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि परमानेंट कनेक्शन होता है, परमानेंट कनेक्शन होता है, ये वहाँ किया जाता है जहाँ लीकेज वगैरह का संभावना कम हो, ठीक है। जैसे हम लोग बाल्टी बनाते हैं, जहाँ पे दूध वगैरह लिक्विड वगैरह रखते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, जो कोई गाड़ी बनाते हैं जिससे ऑयल का अथी किया जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिवेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बिल्डेड बिल्डिंग वाला तो देखे होंगे, इसी कनेक्शन को हम बिल्डिंग भी कर सकते थे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्या होता है, ज़्यादा वाइब्रेशन पड़ने पर वो टूट भी सकता है, ठीक है। तो उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज के, अभी बस बात कर रहे हैं कि बिल्डेड क्या होता है, रिवेट क्या होता है। तो रिवेट जो होता है, आप ताला देखे होंगे, लॉक, ताला जो घर पे ताला लगाते हैं, उसमें कॉर्नर पे देखते होंगे इस तरह से पॉइंट बना रहता है, वही है आपका रिवेट कनेक्शन। देखें ताला में देखे होंगे कि यहाँ पे रिवेट लगा रहता है चारों कॉर्नर पे, तो वही रिवेट है, सभी देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा। और बिल्डेड बिल्डिंग तो सभी देखे होंगे, बिल्डिंग जो बिल्डिंग होता है, टुगेदर द सपोर्ट रिएक्शन एट द टू एंड ऑफ ए फ्रेम मे बी फाउंड आउट बाई द सेम प्रिंसिपल, ठीक है। ये जो इसका जो सोल्यूशन है, दो मेथड से हम लोग करते हैं, पहला एनालिटिक है, दूसरा ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल का नहीं है, यहाँ पे हम लोग एनालिटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, एनालिटिक के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग कौन सा, और जो पढ़ाए हैं आपको थ्योरी में, जब पढ़ाते थे, जब आपका क्लास लिए रेगुलर, तो वहाँ पे दोनों मेथड बताए थे, एनालिटिक मेथड भी, ग्राफिकल मेथड भी। तो एनालिटिक मेथड से अभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले रिएक्शन निकालना सीखते हैं, ठीक है। किसी भी, अगर आपको फोर्स पूछा जाए, किसी भी मेंबर में फोर्स पूछा जाए, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन निकालते हैं। वो रिएक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा, तो देखिए, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, अगर यहाँ पे फिक्स ज्वाइंट है तो यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन होगा, इधर से रिएक्शन होगा और हॉरिजॉन्टल से रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को पहले हम लोग पता करते हैं। तो रिएक्शन के जो रिएक्शन निकालने के हम लोग जो तीन गो इक्वेशन हमेशा यूज करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, जो हमेशा से यूज करते हैं। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो आर ए प्लस आर ई इजकल टू जीरो, आर ए इधर से जो फोर्स लग रहा है यही तो हॉरिजॉन्टल में, देखिए ए पी फोर्स है, तीन फोर्स है यहाँ पे, एक आर ए वाला है और एक आर ई वाला है, मतलब ई पॉइंट ए ई है, ए वाला पॉइंट ई है और ए वाला पॉइंट ए है और ये पी फोर्स है। तो ए पर जो फोर्स लग रहा है, जो रिएक्शन आएगा, एक फोर्स, ई पर जो रिएक्शन आएगा, दो फोर्स, और ये पी फोर्स, तीन फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल में पी वाला तो वर्टिकल है, तो बचा हॉरिजॉन्टल वाला, तो हॉरिजॉन्टल वाला आर ए आर ई, ठीक है। तो ये आर ए प्लस आर ई इजकल टू जीरो, और कोई फोर्स है ही नहीं, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, आर ए प्लस आर ई इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, तो एफ वाई में कौन कौन फोर्स है, आर ई पर होगा, एगो वर्टिकल फोर्स कौन था, पी था, ठीक है। तो आर ई इजकल टू क्या हो गया, माइनस पी हो गया, ठीक है।
चलिए अप्लाई मोमेंट एट पॉइंट ई, अब क्या करते हैं मोमेंट निकालते हैं। तो मोमेंट आइए देखते हैं, मोमेंट यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, एक सेकेंड। चलिए ई ई के वॉट मोमेंट निकालते हैं, एक सेकेंड इसको हटाते हैं पहले। चलिए ई के वॉट मोमेंट निकालते हैं, ये आर ए है, यहाँ पे क्या था आर ई था, आर ई बाई में वर्टिकल में है, ये हॉरिजेंटल में। तो मोमेंट निकालते हैं ए के वॉट, ई के वॉट, सॉरी ई के वॉट, किसके वॉट निकालेंगे, ई के वॉट निकालेंगे। तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आर ए है, आर ए है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना हो गया ना। दूसरा पेन से इसको बनाते हैं, एक सेकेंड। मोमेंट देखिए, सबसे पहले देखिए, हमको लगता है कि अधिकतर लोग को हॉरिजेंटल फोर्स वर्टिकल फोर्स समझ में आ जाता होगा और मोमेंट में दिक्कत होता होगा, तो जिनको दिक्कत होता है वो ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये फोर्स आ रहे हैं इतना समझिएगा पहले, ये तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब इसी डायरेक्शन में हम फोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमेबिलिटी पढ़े हैं कि फोर्स को हम उसी लाइन पर आगे बढ़ा सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमेबिलिटी है कि फोर्स को उसी लाइन पे हम आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए लेके चला है आर ए, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मोमेंट कहाँ निकाल रहे हैं, वही तो इसीलिए तो बोल रहे थे कि ई के अबाउट निकाल रहे हैं, ई के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ तक के उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेड से जो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको जूम करते थोड़ा सा, एक सेकेंड देखिएगा, देखिए ये फोर्स था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल, यही तो परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर बना रहा है, तो यही डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कितना है डी प्लस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू, तब तो उतना टोटल डिस्टेंस होगा, यही तो डिस्टेंस है। तो यही आर ए इंटू क्या लिखेंगे, आर ए इंटू डी प्लस डी बाई टू। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर ऐसे घूम रहा है तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में लेते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है मोमेंट में क्या होगा, ये घूमेगा इस तरह से, आर ए इस तरह से घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया ना, तो घूम गया तो ये क्या हो गया निगेटिव होगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट, कौन सा फोर्स है, आर ए फोर्स देख लिए, अब एक पी फोर्स दिख रहा होगा, पी फोर्स कहाँ पे है, पी फोर्स यहाँ पे है, देखिए ये पी फोर्स है, पी फोर्स अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, ई तक, तो ई फोर्स को हम पीछे ले जाते हैं, पीछे पीछे उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं, मतलब जगह चेंज नहीं करना है, उसी लाइन पे हम आगे पीछे ले जा सकते हैं, प्रिंसिपल जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमेबिलिटी बोलते हैं। तो ये फोर्स को ये भी क्यों ले रहे हैं, आपको हम सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए ये वाला इसी लाइन पे पी फोर्स है, इसी लाइन ऑफ पी फोर्स, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो नीचे देखिए है वो डिस्टेंस कितना है, वो नीचे डिस्टेंस डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ठीक है, यही डी डिस्टेंस है। तब पी गुना क्या हो जाएगा डी, पी गुने डी, तो पी फोर्स वाला के लिए क्या हो जाएगा पी गुने डी, कहाँ गया पी गुने डी, पी इंटू डी, कोई दिक्कत, इजकल टू जीरो। अच्छा कोई सोच रहा होगा सर यहाँ भी तो कोई फोर्स होगा, यहाँ भी तो फोर्स था, तो इसका मोमेंट, तो जिस पॉइंट पे निकालना रहता है उसका फोर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बनाएगा, परपेंडिकुलर ये तो जीरो डिस्टेंस हो गया, यही पॉइंट है, इसी से हम पार कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है कुछ है? कुछ भी नहीं है, जीरो डिस्टेंस है, तो जीरो गुने कुछ भी फोर्स मान लीजिए आर ई था, तो आर ई गुने जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो उसका फोर्स ही नहीं लेते हैं, मोमेंट ही नहीं लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया आर ए और डी प्लस डी वाई टू क्या हो गया थ्री डी वाई टू इजकल टू पी डी, तो ये माइनस में तो उधर प्लस में, तो आर ए इंटू थ्री डी वाई टू इजकल टू पी डी, ठीक है, थ्री आर ए इंटू थ्री डी वाई टू इजकल टू पी डी, तो आर ए इजकल टू क्या हो गया टू पी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया टू पी वाई थ्री, आर ए इजकल टू निकल गया टू पी वाई थ्री, तो पुट द वैल्यू आर ए इन इक्वेशन फर्स्ट, आर ए था ना आप इक्वेशन निकाले होंगे हॉरिजेंटल वाला, आर ए प्लस आर ई एक्स, एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन वाला इजकल टू जीरो, तो आर ए का वैल्यू कितना है टू पी वाई थ्री प्लस आर ई एक्स इजकल टू जीरो, तो आर ई एक्स इजकल टू इधर प्लस में तो उधर माइनस में। नाउ सोल्व फ्रॉम मेथड ऑफ ज्वाइंट टेक पॉइंट ई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग एंगल निकालेंगे, ठीक है, तो नाउ सोल्व फ्रॉम मेथड ऑफ ज्वाइंट टेक पॉइंट ई, हम पॉइंट पे क्या करते हैं एंगल निकालते हैं, तो यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, इस जगह हम लोग एंगल निकालना चाहें अगर थीटा इजिकल टू,
तो आप जानते होंगे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी वटा बी होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी वटा बी। तो पी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आपका क्या हो गया, डी हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए वाला। एक सेकेंड रुकिए, आपको बता रहे हैं, पहले पूरा इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे क्या हो गया आपका, बी हो गया, ऐसे ये बी हो गया, पी हो गया, सॉरी पी हो गया। अब बी कौन सा हो गया, क्योंकि एंगल के सामने वाला पी होता है, ठीक है, जो एंगल निकालना है, जैसे हमको ई पे एंगल निकालना है, यहाँ थीटा निकालना है, तो थीटा के सामने वाला पी कहलाता है, और ये तो ये है ही, ये बी कहलाएगा। तो बी का डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस डी बाई टू है ना, ये डी सॉरी डी है, डी बाई टू है, तो कितना हो गया, डी प्लस डी बाई टू यानी 3 डी बाई टू, ये क्या हो गया, बी हो गया। पी का वैल्यू कितना है, डी है, पी का वैल्यू कितना है, डी है, पी का मतलब ए वाला, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो ये थीटा के सामने वाला पी होता है, यानी ये पी है, पी का डिस्टेंस कितना है, डी है, और बेस का डिस्टेंस कितना है, डी प्लस डी बाई टू, तो यानी टेन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा इजिकल टू हो जाएगा पी वटा बी, पी वटा बी। अब पी का डिस्टेंस कितना था, डी था, और बी का डिस्टेंस कितना था, 3 डी बाई टू था, तो डी से डी कैंसल आउट हो गया, 2 बाई 3 बचा, तो टेन थीटा इजिकल टू 2 बाई 3 यानी थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स 2 बाई 3 यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 33.69 डिग्री। अब आते हैं मेंबर्स में फोर्स निकालते हैं कि प्रत्येक मेंबर में कितना फोर्स है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कौन सा पॉइंट को, ई पॉइंट को। मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़े होंगे ट्रस में, आप लोग को बताए होंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो इस ई पॉइंट पे, एक सेकेंड, इस ई पॉइंट पे, ए ई पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, जितने भी मेंबर्स गया है सभी में फोर्स निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने मेंबर है, पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे, जिस भी ज्वाइंट पे निकालना है वहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो यहाँ कौन कौन फोर्स लग रहा था, एक हॉरिजेंटल में फोर्स लग रहा था आर ई एक्स, हॉरिजेंटल में तो एक्स दे दिए, यहाँ पे एक वर्टिकल में फोर्स था आर ई वाई, तो वर्टिकल फोर्स है, एक कौन सा है फोर्स ई डी, फोर्स ई डी, और एक कौन सा फोर्स है ई, और कौन सा ई से सी है, यानी ई सी, यानी कितने तरह के यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना है। तो एक हॉरिजेंटल फोर्स है, एक हॉरिजेंटल फोर्स है, एक यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है आर ई बाई, और कौन सा फोर्स है, एक नीचे वर्टिकल फोर्स है जो एफ ई डी है, फोर्स ई से डी तक, और दूसरा मेंबर है ई से सी तक जो क्या है, इनक्लाइंड है, सॉरी, इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या कर किए थे, थीटा निकाले थे, तो ये थीटा का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ई सी, ठीक है, फोर्स ई सी, इनक्लाइंड है थीटा डिग्री से। तो कंपोनेंट आपको लेने आता है, तो कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा जिसके साथ है वो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ई सी कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा, फोर्स ई, यहाँ पे फोर्स क्या है, ई और सी, ई सी साइन थीटा, ठीक है। तो रुकिए एक सेकेंड, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम सबको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर दे, रुकिए रिपीट कर देते हैं फिर से। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जितने भी वहाँ पे फोर्स लगने वाले हैं सभी को दिखा दीजिए कट करके, ठीक है। कट करने का मतलब, जैसे दो फोर्स तो यहाँ सबको पता चल रहा होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे देखिए आर ई एक्स हॉरिजेंटल में लग रहा है, ये वाला कोई दिक्कत, हॉरिजेंटल फोर्स, वर्टिकल में आर ई बाई लग रहा है, कोई दिक्कत। ई पॉइंट पर से दो मेंबर आ गया हुआ है, एक ई डी गया हुआ है और दूसरा इनक्लाइंड है जो क्या है, ई सी है, ई डी है और ई सी है। तो यहाँ पे, तो इस पॉइंट, यहाँ पे पहले पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, आर ई एक्स लग रहा है, ए फोर्स कितना लग रहा है, आर ई बाई लग रहा है, अच्छा एक नीचे में लग रहा है ई डी वाला फोर्स, ई डी, ठीक है। अच्छा इनक्लाइंड में कौन सा फोर्स है, इनक्लाइंड में फोर्स ई सी है जो थीटा डिग्री पे इनक्लाइंड है। तो इसको अगर हम हॉरिजेंटल में कंपोनेंट लेना चाहे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ई सी कॉस ए साइन थीटा ना, क्योंकि एंगल इसके साथ है, एफ ई डी के साथ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, एफ ई सी साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, एफ ई सी कॉस थीटा,
कॉस थीटा, कंपोनेंट तो आपको लेने आता है, बस यही फोर्स को समेशन ऑफ समेशन हॉरिजेंटल में टोटल फोर्स जीरो कर दीजिए और समेशन ऑफ एफ वाई का फोर्स क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, वहीं से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, यहाँ लिख देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम एट ज्वाइंट ई, ई पॉइंट पर का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम यानी मेथड ऑफ सेक्शन से हम लोग बना रहे हैं, मेथड ऑफ ज्वाइंट से बना रहे हैं, ठीक है। तो एक हॉरिजेंटल में फोर्स आर ई एक्स, वर्टिकल में फोर्स आर ई वाई, एक फोर्स क्या था एफ ई डी था, और जो इनक्लाइन था उसका हम लोग यहाँ लिए थे एफ ई सी कॉस थीटा, और हॉरिजेंटल में लिए तो एफ ई साइन, एफ ई सी साइन थीटा आ गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं हॉरिजेंटल में टोटल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो हॉरिजेंटल में कौन कौन सा फोर्स है, यहाँ पे पहला आर ई एक्स है, प्लस दोनों का डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, तो आर ई एक्स प्लस एफ ई सी साइन थीटा इजिकल टू जीरो। आर ई एक्स का वैल्यू पता है आपका कितना आया था पीछे, -2π/3 आया था, एफ ई सी साइन थीटा का वैल्यू 33.69 वैल्यू निकाल के अभी रखे थे, ठीक है, इजकल टू जीरो। तो एफ ई सी साइन 33.69 इजकल टू 2π/3, तो यहाँ से एफ ई सी इजकल टू क्या हो जाएगा 2π/3, और साइन इन्हें गुना में तो इधर भागा में, यानी आ गया इसका वैल्यू 1.2018π, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये एफ ई सी का वैल्यू कितना हो गया 1.2018π, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ वाई निकालते हैं, तो समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो माइनस आर ई वाई, देखिए क्या है माइनस, नीचे इधर की ओर है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा निगेटिव, सब निगेटिव ही होगा, आर ई वाई, एफ ई डी भी नीचे की ओर है वो भी निगेटिव, एफ ई सी कॉस थीटा वो भी नीचे की ओर था, थीटा का वैल्यू 33.69 इजकल टू जीरो था। तेजा से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एफ ई डी का वैल्यू निकाल लेंगे, जो एफ ई डी का वैल्यू जीरो आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जगह नहीं बचा था। आर ई बाई का वैल्यू कितना था, आर ई बाई का वैल्यू निकाले होंगे, अभी कर देते हैं, आर ई बाई कहाँ गया, आर ई बाई का वैल्यू निकाले थे ना इसके पहले, आर ई बाई का वैल्यू माइनस पी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं माइनस पी, माइनस एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई सी का वैल्यू कितना 1.2018π कॉस 33.69, तो कॉस 33.69 इजकल टू जीरो। इसको देखिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिएगा करके हो रहा है कि नहीं, तो एफ ई डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से और किसी पॉइंट ज्वाइंट पे आप निकालना चाहते हैं तो सेम यही मेथड लगाकर, सेम कहाँ से कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको इस पॉइंट पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे निकालना है, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ देख लेना है कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, एक इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एक इंक्लाइंड फोर्स इधर से लग रहा है, एक इंक्लाइंड फोर्स इधर से लग रहा है। तो इस फोर्स का वैल्यू अभी निकल गया, एफ ई सी का वैल्यू जिधर जितना इधर से होगा उतना ही इधर से होगा, तो इसका निकल गया। तो अननोन कितना है, ये दोनों है, आई पी फोर्स, तो ये वाला पी फोर्स पता ही है, तो ये दोनों फोर्स निकाल लीजिए इसी तरह से निकाल के। इनक्लाइंड है ना, तो यहाँ का एंगल निकाल लीजिएगा, यहाँ के एंगल निकाल लीजिएगा, ई एंगल निकालने आ जाएगा ना, ए हो गया पी, ये हो गया बी, ए थीटा का वैल्यू, तो थीटा निकाल के कंपोनेंट ले लीजिएगा। तो किसी भी जॉइंट को आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो वैसे एक जॉइंट को निकाल दीजिए एग्जाम में काफ़ी है, ठीक है, तो ई जॉइंट पे निकाल दीजिए, ठीक है, आप किसी भी जॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है निकालने में तो बोलिएगा, अभी 2021 का क्वेश्चन और करवाएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पे निकाल के बता देंगे, ठीक है। वैसे आप सीख गए होंगे किसी भी पॉइंट पे निकालना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है, इसी पॉइंट पे देख लीजिए, किसी पॉइंट पे देख लीजिए, जितना फोर्स है सभी को हॉरिजेंटल वर्टिकल में सजा दीजिए, ठीक है, और उसको समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो कर देंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज अ ड्राई फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, बोल रहा है ड्राई फ्रिक्शन क्या और उसका करेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रिक्शन पता होना चाहिए, फ्रिक्शन क्या है ना, तो इसको पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आप मॉड्यूल नंबर 2 में शायद है, यूनिट नंबर 2 में फ्रिक्शन है, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में चाहिए। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु पे चलते हैं, जब हम चलते हैं, आपका एग्जांपल दे रहे हैं, आप जब चलते हैं तो ज़मीन और आपके पैर में एक कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है,
आप मान लीजिए इधर जा रहे हैं तो ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इतना पहले मतलब कंफर्म कीजिए कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन के वजह से ही आप चल पाते हैं। देखते होंगे बरसात के दिन में रेनफॉल जब होता है तो जो मिट्टी होता है क्ले मिट्टी, उस पर आप फिसल जाते हैं, वहाँ पे अस्मूथ सरफेस हो जाता है, जो क्ले मिट्टी होता है उसमें फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है तो आप फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट फ्रिक्शन कोई भी काम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप चल नहीं पाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो, फ्रिक्शन नहीं होगा तब फिसल जाएगा, आप हाथ से कोई काम कर रहे हैं तो फिसल जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग कोई काम कर पाते, चल पाते, खा पाते, जो भी हो। ठीक है, तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट ए फोर्स डेवलप डेट रेजिस्ट स्लाइडिंग बिटवीन द टू बॉडीज, दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट करता है तो वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक ड्राई फ्रिक्शन होता है, एक फ्लूड फ्रिक्शन होता है। तो ड्राई फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन बॉडीज व्हेन नो लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट बिटवीन देम। ड्राई फ्रिक्शन है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का लुब्रिकेंट यूज नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जो दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में हम लोग लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते। आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई चीज़ अगर जैसे आप मान लीजिए फैन चलाते हैं, तो फैन में हम लोग वायल वगैरह डालते हैं, मशीन चलाते हैं तो उसमें वायल ग्रीस वगैरह डालते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो और घी से कम। ठीक है, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जिसे हम लोग चलते हैं तो क्या अपने पैर के नीचे हम लोग ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह देकर चलते हैं? नहीं। तो ड्राई फ्रिक्शन वो होता है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ये तो सबको पता है, तो वही तो होता है, एफ इजकल टू म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, फ्लूड फ्रिक्शन क्या है, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन बॉडीज व्हेन लुब्रिकेंट इज प्रेजेंट बिटवीन देम, फ्रिक्शन वेरीज वेलोसिटी प्रेशर टेम्परेचर ईटीसी। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है वो वेरी कर सकता है वेलोसिटी पे, उसका प्रेशर पे, उसका टेम्परेचर पे। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, टू अंडरस्टैंड ड्राई फ्रिक्शन वी नीड टू लुक एट ए कॉन्टेक्ट सर्फेस एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, कि जैसे अभी आप देखते होंगे, आप अपना हाथ मान, जो स्टडी टेबल आपका होता है ना, वो टेबल को देखिएगा, बहुत स्मूथ रहेगा, उतना स्मूथ दिख रहा है ना, जब आप स्टडी टेबल देख रहे होंगे ऊपर भी, आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे तो स्टडी टेबल होगा तो देख रहे होंगे वो कितना स्मूथ है, लेकिन उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इतना मतलब रूखा दिखेगा। ठीक है, इतना रूखा दिखेगा मतलब रफ दिखेगा, स्मूथ नहीं रहता है कोई भी चीज, उतना स्मूथ नहीं है। स्मूथ रहेगा तो उसमें मोशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्मूथ नहीं रहता है उसमें, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो कुछ इस तरह से कांटेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया है ना, एक ऐसा फिगर रहेगा, मतलब ऐसा इस टाइप का वहाँ पे रहेगा, ऐसा देखिए इस तरह से प्लेन सरफेस दिख रहा है, माइक्रोस्कोपिक पे कुछ इस तरह का होगा। तो ड्राई फ्रिक्शन रूल जो है, कॉन्टैक्ट फोर्स अकर इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स, न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा भी दिया गया था कि जितना हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स देते हैं उतना ही वो भी हम पे फोर्स देता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो मान लीजिए दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट कर रहा है तो एक जितना फोर्स दे रहा है वो दूसरा उतना ही फोर्स उस पे देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में, कॉन्टैक्ट फोर्स आर जनरेटेड एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट किया है, जैसे एक बॉडी है और नीचे एक बॉडी है, ये जहाँ जहाँ कांटेक्ट करेगा वहाँ पे फोर्स आएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कांटेक्ट करेगा वहाँ वहाँ फोर्स डेवलप होगा। कांटेक्ट फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, जो सरफेस होता है वहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी हम उसी को इस तरह से बोलते हैं एफ यू एन, म्यू इंटू एन, एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, तो परफेक्टली स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस नो हॉरिजेंटल फोर्स, जो परफेक्टली स्मूथ होता है वहाँ पे हॉरिजेंटल फोर्स डेवलप नहीं होता है और वहाँ पे नो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो यही था 5 का A में क्वेश्चन। अब आते हैं 5 का B में चलते हैं। 5 का B एक न्यूमेरिकल है जिसमें देखते हैं, बीम ए बी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म लोड ऑफ 200 न्यूटन पर मीटर,
200 न्यूटन पर मीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि यूडियल लोड है। 200 न्यूटन पर मीटर कहने का मतलब क्या हुआ, ये यूडियल लोड है। इज सपोर्टेड बाई बी एट पोस्ट बी सी एज शोन इन फिगर। एक ए बी मेंबर है, ठीक है, कोई भी बीम है, जो भी मान लीजिए आप, ये मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, और ए एक पोस्ट है बी सी, बी सी ये देखिए ये वाला बी सी जो है एक पोस्ट है, और उस पर एक पी फोर्स लग रहा है, यहाँ से 0.7 मीटर है, यहाँ से 0.25 मीटर है, यहाँ पे एक यूडियल फोर्स लग रहा है। यूडियल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, जो हर 1 मीटर पे 200 न्यूटन 200 न्यूटन 200 न्यूटन। और 4 मीटर है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये वाला देखिएगा, यूडीएल है, ये बोल रहा है ना कि यूडीएल का मतलब होता है, ये तो ऐसे दिखाया हुआ ना, हम लोग जनरली ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यूडीएल का मतलब होता है हर 1 मीटर पर 200 न्यूटन, तो 4 मीटर है, तो टोटल लोड अगर कंसीडर करें तो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर। 4 मीटर में कितना लोड, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, 800 न्यूटन। यानी इस बीम पर कितना लोड लग रहा है, 8 न्यूटन, 800 न्यूटन लग रहा है। देखिए 1 मीटर में 200, तो 4 मीटर में 4 दूनी 800 न्यूटन, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। यानी इसको हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो यूडीएल में नहीं करते, उसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ द कोफिशियंट, पहले क्यों पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द कोफिशियंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन एट बी एंड सी, बी और सी पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशियंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो म्यू बी कितना है, 0.2 है, म्यू सी 0.5 है। डिटरमाइन द फोर्स पी नीडेड टू पुल द पोस्ट आउट फ्रॉम द बीम, नेगलेक्ट वेट ऑफ द बीम ऑफ द मेंबर्स एंड द थिकनेस ऑफ द बीम। आपको नेगलेक्ट करना है वेट, मेंबर का वेट को नेगलेक्ट करना है, मतलब डेड लोड को नेगलेक्ट करना है, और थिकनेस ऑफ बीम को नेगलेक्ट करना है। ये सब हम लोग डिजाइनिंग पढ़ेंगे, आरसीसी में पढ़ेंगे बीम का। तो वहाँ पे हम लोग इसका वेट को कंसीडर करते हैं, इसका थिकनेस ऑफ बीम का कंसीडर करते हैं, यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए क्या बोला है कि नेगलेक्ट द वेट ऑफ द मेंबर एंड थिकनेस ऑफ द बीम। यानी आपको क्या करना है कि पी कितना लोड पोस्ट को खींचने में कितना लोड लगाएगा, ठीक है, पोस्ट को हटाना है यहाँ से, ठीक है, पोस्ट को यहाँ से खींचना है तो कितना फोर्स लगाएगा। तो देखिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो कंसीडर करेंगे जो यूडीएल लोड था उसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 800 न्यूटन हो गया। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा एक्स, ठीक है, और इधर से जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे रिएक्शन फोर्स, जानते हैं ना कि जहाँ पे कांटेक्ट रहता है वहाँ पे रिएक्शन फोर्स आता है, तो यहाँ एन बी हो जाएगा। यहाँ दो तरह के फोर्स है, एक एक्स है मतलब हॉरिजेंटल में फोर्स और वर्टिकल में फोर्स। ए पॉइंट लोड 800 न्यूटन आया, ठीक है, कैसे आया, यूडीएल को हम लोग क्या करते हैं, यूडीएल जितना रहता है 200 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में 200 न्यूटन, तो 4 मीटर में तो 800 न्यूटन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। तो आइए इसको गिवेन डाटा सबसे पहले लिखते हैं। तो गिवेन डाटा क्या हो गया, गिवेन डाटा म्यू बी इजकल टू 0.2 और म्यू सी इजकल टू 0.5। लोड ड्यू टू यूडीएल, यूडीएल के कारण कितना लोड होगा, तो 200 न्यूटन इंटू 4 मीटर, यानी 200 न्यूटन पर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, यानी 4 दूनी 800 न्यूटन। तो ये टोटल पॉइंट लोड कितना बचा, पॉइंट लोड कितना बचा, 800 न्यूटन। 800 न्यूटन लोड विल बी एक्ट एट, जो लगता है वो बीचों बीच में लगता है, जैसे 4 मीटर है ना, पॉइंट लोड होता है जो बीचों बीच में सिमेट्री में सेंटर में लगता है। तो जैसे 4 मीटर है तो पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, तो बीचों बीच में, यानी 2 मीटर पे, ठीक है, 2 मीटर इधर से 2 मीटर इधर से, तो यही पॉइंट लोड लगेगा 800 न्यूटन का। तो ही निकाल रहे हैं, 800 न्यूटन विल बी एक्ट एट लेंथ ऑफ बीम बटा टू, जितना लेंथ है यानी बीचों बीच में, बटा टू मतलब बीचों बीच में, तो 4/2 हो गया 2 मीटर। अब जैसे ही आपको सब फोर्स पता है तो मैकेनिक्स में एक ही चीज ध्यान रखना है कि तीन गो हम लोग का इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0, आ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट किसी भी एनी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट पे अगर निकाले तो समेशन ऑफ मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो तीन तरह के फोर्स है, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0, और मोमेंट एनी पॉइंट के अबाउट निकालना है, वो भी समेशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0 करे तो एफ भी क्या क्या फोर्स है हॉरिजेंटल में,
हॉरिजेंटल में फोर्स अगर हम देखने आते हैं तो हॉरिजेंटल में कौन कौन सा फोर्स है, एफ बी है, एफ बी है, एफ ए एक्स है, और ये हॉरिजेंटल दो ही फोर्स है, एफ बी है, ए एक्स है। वर्टिकल में देखने आएंगे तो 800 न्यूटन है, ए बाई है और एन बी है, तो यहाँ पे तीन फोर्स है, हॉरिजेंटल में दो फोर्स है। तो हॉरिजेंटल की बात करें तो एफ बी माइनस ए एक्स इजकल टू जीरो, और वर्टिकल में कितना फोर्स था, ए बाई प्लस एन बी, जो अपवर्ड था इस तरह से ले रहे हैं, जो डाउनवर्ड था उसको माइनस में ले रही है, जो अपवर्ड था उसको प्लस में ले लिए, तो अपवर्ड ए बाई था, एन बी अपवर्ड था, डाउनवर्ड 800 था, तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो ए बाई प्लस एन बी इजकल टू 800 न्यूटन, इक्वेशन नंबर टू। मोमेंट ए के अबाउट लेना है वो भी क्या होगा, जीरो। तो ए के अबाउट अगर मोमेंट लेना है तो कल ही सिखा रहे थे या कभी भी जब पढ़ाए उस टाइम भी सिखाए कि जिस पे मोमेंट लेना है वहां तक के डायरेक्ट डिस्टेंस, फोर्स इंटू डायरेक्ट डिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले तो ए एक्स वाला कोई मोमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, ए बाई भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका भी मोमेंट नहीं होगा, यानी दो फोर्स का मोमेंट खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों फोर्स का जिस पॉइंट पे निकालना है ना वहाँ के फोर्स के मोमेंट नहीं निकालता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अब निकालना है कौन कौन सा बचा, 800 न्यूटन बचा, एन बी बचा, ठीक है, एफ बी भी किससे पार किया है, इसी से ना गया है, मतलब इधर से जा रहा होगा तो इसी से ना गया होगा, तो ये इसका भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यानी दो वो निकलेगा, कौन कौन का निकलेगा, एन बी का निकलेगा, 800 का निकलेगा, ये 800 का निकलेगा, एन बी का निकलेगा। तो आठ फोर्स क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 800 इंटू कितना, 2 मीटर, तो 800 इंटू टू, अच्छा ये ऊपर से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो इसको प्लस लेंगे तो इधर से जाएगा जिसको माइनस लेंगे। ठीक है, तो 800 इंटू टू, पहला अगर 800 वाला को देखे तो 800 इंटू टू, क्योंकि 800 और जहाँ तक निकालना है तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। एन बी को देखते हैं तो एन बी से ए तक का डिस्टेंस कितना, 4 मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 800 इंटू टू माइनस एन बी इंटू फोर इजकल टू जीरो, तो एन बी का वैल्यू कितना हो गया, 1600 बटा कितना, 8 दूनी 1600, 1600 बटा 4 यानी 400 न्यूटन, तो एन बी का वैल्यू आ गया कितना, तो एन बी का वैल्यू आ गया आपका 400 न्यूटन। ठीक है, इतना तक कंफर्म हुआ। चलिए अब पहला निकाल लिए बीम का, अब पोस्ट का, पोस्ट कौन, जो नीचे से सपोर्ट लगा हुआ था इसमें फिगर में देखिएगा, अब पोस्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये नीचे वाला का, ए वाला का जो पोस्ट है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो उस पर कितना तरह के फोर्स लग रहा होगा, देखिए तो एक एफ बी लग रहा है, इधर जा रहा था, देखिए बीम में इधर से लग, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो यहाँ एफ बी लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए फोर्स सेम होना चाहिए, तो बीम में इधर से एफ बी लगा रहा था इस पर इधर से लगाएगा, और नीचे जमीन से टकरा रहा था यहाँ पे एफ सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। अच्छा, जो 400 न्यूटन एन बी का सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट देखिए फिगर में आइए, देखिए यहाँ पे ये एन बी है ना, देखिए एन बी है ना, तो एन बी कहाँ पे लग रहा था सपोर्ट, एन बी अगर नीचे से एन बी दे रहा है तो ऊपर से भी हम क्या जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से, कि नीचे से देगा एक्शन तो ऊपर से भी रिएक्शन देगा, तो इधर से भी क्या होगा, एन बी के ही बराबर होगा एन बी, तब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अगर ऊपर से एन बी नहीं देगा तो उड़ जाएगा, नीचे से अगर हम आपको धक्का देंगे तो आप अगर उधर से आप अपना नई बल लगाएंगे तो आप फेंका जाएंगे, अगर आप उतना ही फोर्स, आपको दो आदमी बीच में खड़ा है, इधर से एन बी दे रहा है, उधर से भी एन बी दे रहा है, मतलब 5 न्यूटन इधर से भी, 5 न्यूटन उधर से भी, तो आप खड़ा रहेंगे, अगर कोई के ज़्यादा फोर्स हुआ, जैसे हम इधर से 10 दे दिए उधर से 5 है, तो आप 5 तरफ क्या हो जाएंगे, फेंका जाएंगे, तो उसी तरह से एन बी नीचे से दे रहा है तो एन बी ऊपर से भी दे रहा होगा, तब ये बीम रखा हुआ है, अगर खाली नीचे से रखता तो ऊपर की ओर क्या हो जाता, उड़ जाता। ठीक है, तो एन बी ऊपर से भी लग रहा होगा, तो यही पोस्ट पे ही लग रहा होगा, देखिए पोस्ट पे ही तो एन बी था, पोस्ट किसको बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, तो ये पोस्ट नीचे से एन बी दे रहा था, पोस्ट ऊपर से क्या लगा रहा होगा, एन बी लगा रहा होगा, तो एन बी का वैल्यू 400 न्यूटन, तो एन बी का वैल्यू 400 न्यूटन, तो यही देखिए ऊपर से क्या लगा रहा है, एन बी 400 न्यूटन लगा रहा है, तो एफ सी हो गया, एफ बी हो गया, एफ बी हो गया, एफ सी हो गया, और यहाँ पे एन बी कितना है, 400 न्यूटन है। ठीक है, एक पी फोर्स लगा रहा था, ये क्वेश्चन में दिया ही दिया था, पी फोर्स है ऊपर से 0.75 मीटर पे, नीचे से 0.25 मीटर पे, तो अब देखिए सारा फोर्स आपको पता हो गया, तो जब सारा फोर्स पता हो गया तो हॉरिजेंटल फोर्स बराबर 0 और वर्टिकल फोर्स बराबर 0, तो हॉरिजेंटल फोर्स कितना,
जीरो के बराबर, तो माइनस एफ भी इधर की ओर जा रहा है तो माइनस एफ भी इधर की ओर, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन को माइनस प्लस ले सकते हैं। मैकेनिक्स में वैसा नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए अपना अपना एजम्पशन है। इधर वाला को माइनस ले रहे हैं तो बस इधर वाला जो जाएगा उसको प्लस लेना पड़ेगा, तो इधर माइनस एफ वी माइनस एफ सी, आप पी उधर डायरेक्शन में तो प्लस ले लिए, तो माइनस एफ वी माइनस एफ सी इजकल टू पी प्लस पी इजकल टू जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग इक्वेशन के बराबर जीरो देते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, तो पी तब क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दे तो पी माइनस एफ वी पी प्लस है ना, तो प्लस पी हो गया, प्लस पी माइनस एफ वी माइनस एफ सी इजकल टू जीरो। और टोटल समेशन ऑफ वर्टिकल के जीरो करेंगे तो एन सी, दो ये फोर्स है यहाँ पे, एक वो देखिए एन नीचे में एन सी लगाएगा ना, ये तो बीम पे लगा रहा था एन बी, अब नीचे से सी पे लगाएगा तो एन सी हो जाएगा, तो एन सी माइनस 400, देखिए नीचे से अपवर्ड है तो प्लस में ले लिए, आ 400 नीचे की ओर है तो माइनस में, तो एन सी माइनस 400 इजकल टू जीरो, तो एन सी का वैल्यू कितना 400 न्यूटन। अब दो केस हम लोग लेके चल, अच्छा पहले मोमेंट निकाल लेते हैं इसका, तो समेशन ऑफ सी के अबाउट निकाल रहे हैं, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, सी के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, सी के अबाउट मोमेंट निकालेंगे, तो बताइए कैसे सी के अबाउट निकालेंगे, अभी सिखाए थे आपको किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने के लिए, तो सी के अबाउट निकालेंगे तो देखिए सी उसी पॉइंट से जा रहा है तो एफ सी का मोमेंट नहीं निकलेगा, ठीक है, एफ वी का निकलेगा, एफ वी का कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक का 1 मीटर, 0.7 मीटर, 5.75 मीटर ए और 0.25 मीटर ए, तो टोटल कितना हो गया 1 मीटर हो गया, तो 1 × FV, और 400 न्यूटन तो इसी से पार कर जाएगा ना, इसी पॉइंट से, तो 400 न्यूटन वाला का भी नहीं निकलेगा। पी का निकलेगा, पी इंटू कितना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का कितना है, पी का निकलेगा तो पी का कितना है 0.25, पी इंटू 0.25, तो यानी दो ही, दो का ही निकलेगा, एक किसका निकलेगा एफ बी का निकलेगा और एक किसका निकलेगा पी का निकलेगा, एफ सी उसी पॉइंट से पास कर गया और 400 न्यूटन भी उसी पॉइंट से पास कर गया, ये दोनों उसी पॉइंट से पास कर गया, तो एफ बी का खाली निकालेंगे या पी का मोमेंट निकलेगा, एफ बी इंटू 1 और पी इंटू 0.25, तो ए समेशन ऑफ मोमेंट जो निकाल रहे हैं सी के अबाउट वो टोटल जीरो होगा, तो पी गुने 0.25 माइनस एफ बी इंटू 1, तो एफ बी इजकल टू पी गुने 0.25, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अगला, अब आते हैं समझते हैं, पोस्ट स्लिप कर रहा है एट बी एंड रोटेट अबाउट सी, जो पोस्ट है वो बी के बी पर स्लिप कर रहा है और रोटेट किसके हो रहा है अबाउट सी हो रहा है, तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो एफ सी लेस देन म्यू सी इंटू एन सी, आप जानते हैं म्यू इंटू एन होता है, और जो एफ बी होगा कितना होगा म्यू बी इंटू एन बी। इसी तरह से दो कंडीशन में हम लोग देख लेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका पी का वैल्यू होगा, तो सेटिस्फाई देखिएगा अगर एफ सी का जो वैल्यू होगा और वो जो लेस देन आ रहा है ना, लेस देन आ रहा है, तो अगर लेस देन आएगा तो सेटिस्फाई करेगा, अगर ग्रेटर देन हो जाएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एफ बी का वैल्यू कितना होगा म्यू बी इंटू एन बी, म्यू बी दिया हुआ था क्वेश्चन में 0.2, एन बी का अभी आंसर लाए थे पीछे 400, एन बी का वैल्यू कितना आया था, एन बी का वैल्यू यहाँ से आया था 400, देखिए यही वाला, ठीक है यही वाला, ये कितना है 400 न्यूटन है, तो एन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ बी इंटू म्यू बी, एफ बी इजकल टू म्यू बी इंटू एन बी, तो म्यू बी का वैल्यू 0.2 और एन बी का वैल्यू 400, तो कितना हो गया 80 न्यूटन हो गया। फ्रॉम क्वेश्चन फोर्थ, फोर्थ में क्या होता था एफ बी इजकल टू पी इंटू 0.225, इक्वेशन नंबर 4 में क्या था एफ बी इजकल टू पी इंटू 0.25, तो पी इंटू 0.25 पी का वैल्यू, एफ बी का वैल्यू 80 इजकल टू पी इंटू 0.25, तो पी का वैल्यू कितना 320 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 3 क्या था पी माइनस एफ बी माइनस एस सी इजकल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 3 क्या था पी माइनस एफ बी माइनस एफ सी इजकल टू जीरो, अब पी का वैल्यू पता हो गया पुट कर दीजिए, तो पी माइनस पी का वैल्यू 320, एफ बी का वैल्यू 80, तो एफ सी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 240, तो एफ सी का वैल्यू 240 और म्यू सी इंटू एन सी कीजिएगा तो 0.5 × 400, तो कितना हो गया 200 न्यूटन। ये जो आपका वैल्यू है एफ सी इजकल टू निकालेंगे फ्रिक्शन एट सी, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू एन
सी पर है इसलिए म्यू सी एन सी कर देंगे। म्यू सी का वैल्यू 0.5, एन सी का वैल्यू 400, तो कितना आ गया 200 न्यूटन। तो देखिए इधर से हम लोग निकाले, इससे निकाले तो 240 न्यूटन आया, आ ये किससे, इससे इस इक्वेशन से कितना आ रहा है 200 न्यूटन। तो ये ग्रेटर देन हो गया, तो ग्रेटर देन हो गया तो इससे सेटिस्फाई करेगा, नहीं सेटिस्फाई किया। जो था इक्वेशन आपका क्या बताया था कि एफ सी जो होगा लेस देन म्यू सी एंड सी के बराबर होगा, बट गेट एफ सी ग्रेटर देन म्यू सी एंड एन सी, इसलिए ये वाला क्या करेगा, स्लिप, सो स्लीपिंग एट सी अकर। ठीक है, अनदर केस, हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्लिप एट सी एंड रोटेट अबाउट बी, बी के अबाउट रोटेट करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ बी लेस देन म्यू बी एंड एन बी, एंड जो इक्वेशन बनाएंगे एफ सी इजकल टू म्यू सी एंड एन सी, तो एफ सी इजकल टू 0.5 × 400, 200 न्यूटन हो गया। मोमेंट लेंगे ए बी के अबाउट, ठीक है, बी के अबाउट लेंगे तो क्या हो जाएगा पी इंटू, देखिए बी के अबाउट मोमेंट अब लेना है, बी के अबाउट मोमेंट लेना है, तो बी के अबाउट कौन कौन सा हो जाएगा पी इंटू 0.75। फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देते हैं, क्या था फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए उस बार किसके अबाउट ले रहे थे, सी के अबाउट मोमेंट ले रहे थे, सी के अबाउट, अब रोटेट करवाना है सी को, बी के अबाउट मोमेंट लीजिए, तब पी इंटू, अच्छा बी के अबाउट लेंगे तो एफ वी वाला खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा, 400 न्यूटन वाला भी नहीं होगा, कौन होगा एफ सी होगा और पी न्यूटन, पी वाला होगा, तो एफ सी इंटू आ टोटल डिस्टेंस कितना 1, आ पी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना बी तक का 0.75। मोमेंट लेने में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत रहेगा तो पर्सनली मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, हम उनको पर्सनली वीडियो बनाकर सिखा देंगे। ठीक है, आप बोल के तो एक बार देखिए, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 0.75, तो पी गुने 0.75 एफ सी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना 1। ठीक है, आइए तो इसको देखते हैं, -0.75 प्लस एफ सी इंटू 1, और दो डायरेक्शन में वो इधर है वो इधर है, तो कोई को प्लस माइनस ले लीजिए, इधर वाला प्लस लीजिएगा तो इधर वाला का माइनस, बात बराबर ही पड़ेगा, ये माइनस में रहेगा तो उधर जाके प्लस। ठीक है, तो पी इजकल टू ये माइनस में जीरो, माइनस पी गुने 0.75 तो इन्हें माइनस में तो उधर प्लस में, तो पी इजकल टू क्या हो गया 200 बटा, कहाँ गया एक सेकेंड, एफ सी इजकल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी, पी गुने 0.75 इजकल टू एफ सी, एफ सी का वैल्यू कितना 200 न्यूटन था, तो एफ सी इजकल टू 200, आप 0.75 इन्हें गुना में तो इधर भागा में, तो आ गया 266.67। आ इक्वेशन से अब करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, पी माइनस एफ वी माइनस एफ सी, एफ बी पी का वैल्यू कितना था 266.67, माइनस एफ बी का वैल्यू माइनस एफ सी का वैल्यू 200 इजकल टू 0, तो एफ बी का वैल्यू कितना हो गया 266.67 माइनस 200 इजकल टू 66.67। तो नाउ कंडीशन जो हुआ यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, एफ बी इजकल टू कितना है 66.67 है, एन बी इंटू एन सी कितना 0.5 × 4 यानी 200 है, तो यहाँ लेस देन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बिकॉज एफ बी लेस देन द म्यू बी एंड एन सी, एंड इन दिस केस वी ऑब्टेन अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी, सो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा पी इजकल टू 266.67 न्यूटन, तो यही आंसर हो गया। तो मतलब कि आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फ्रिक्शन से रिलेटेड था, लेकिन बीम का कंसेप्ट था, जो हम लोग क्या किए सबसे पहले बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फिर पोस्ट का बनाया। ठीक है, और दोनों से हम लोग सेटिस्फाई करवा के देखें कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, तो आपको नेक्स्ट जो देखिए ये पार्ट वन है, पार्ट टू लाते समय आपको फिर से समझा दिया जाएगा जहाँ डॉट रहेगा। तो पार्ट वन आज यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स 2020 का जो सोल्यूशन था पार्ट वन 5 तक कर दिए, 6 से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे पार्ट टू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग पार्ट टू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 से, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये भी मस्त क्वेश्चन है, फिर तो थ्योरी है, तो थ्योरी तो उतना नहीं, फिर देखिए फिर क्वेश्चन है 7 का ए में, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 7 का बी में भी न्यूमेरिकल नहीं है यहाँ पे, हाँ थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी मिला के दिया है, अच्छा किया है। 8 का बी में एक न्यूमेरिकल दिया है और फिर न्यूमेरिकल ही दे दिया है, 9 का ए में न्यूमेरिकल दिया है
और फिर बी में भी न्यूमेरिकल ही दे दीजिएगा। नो का कितना है, नो का ए ही है सिर्फ, नो का बी, नो ए बी दोनों है ठीक है, तो दोनों में क्वेश्चन दे दिया। चलिए हम लोग देखेंगे पार्ट।